माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है, उनका इंतजार खत्म हुआ है। माँ वैष्णो देवी दरबार जाने वाले भक्तों के लिए पवित्र और प्राचीन गुफा के द्वार खोले गए हैं। मकर संक्रांति के पवित्र दिन ये माँ वैष्णो देवी पहुँच जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मकर संक्रांति के इस पवित्र दिन में ये जो पवित्र और प्राचीन गुफा है उसके द्वार खोल दिए गए हैं, जिसके बाद वहाँ पर भक्तों का दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आपके साथ वो हम साझी कर रहे हैं, जहाँ पर भक्त जो है मकर संक्रांति पर हर साल ऐसे ही लोगों की वहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि पूरा साल जो लोग इंतजार करते हैं ताकि ये पवित्र और प्राचीन गुफा के द्वार खोले जाए और उनके दर्शन कर सके, तो आज के दिन उनका ये जो इंतजार है वो खत्म होता है और भक्त बड़ी खुशी खुशी जो वहां पर जाते हैं दर्शनों के लिए वो पुरानी इस गुफा के दर्शन कर पाते हैं। बता दें कि आज सुबह वहां पर जो मौजूद पंडित होते हैं पुजारी थे, उनकी तरफ से पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद द्वार खोले गए और सबसे पहले पुजारियों की तरफ से ही यहाँ पर जो गुफा के जो दर्शन है वो किए गए और उनके बाद इसके द्वार जो हैं वो भक्तों के लिए भी खोल दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपके साथ वो साझी कर रहे हैं किस तरीके से ये वही गुफा है जिसके दर्शनों के लिए साल भर भगत इंतज़ार करते हैं और श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर जाते हैं। और आज ये आज के दिन, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही हर साल इस गुफा के जो प्रवेश द्वार हैं वो खोले जाते हैं और भक्तों को इस प्राचीन गुफा में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता है। और आज के दिन ये द्वार खोले गए हैं जिसके बाद वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम आपके साथ वो तस्वीरें भी साझी कर रहे हैं और इसके साथ ये भी बता दें कि श्राइन बोर्ड की तरफ से भीड़ के ऊपर इसके द्वार खोले जाने और बंद करने को लेकर भी एक जो है वो निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि अगर भीड़ इसी तरीके से बढ़ती है या ज़्यादा तादाद में वहाँ पर श्रद्धालु हो जाते हैं तो उसके चलते हुए जो पवित्र गुफा प्राचीन गुफा के जो द्वार हैं वो बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि हर साल ये होता है कि इस महीने में भक्तों की इतनी भीड़ वहाँ पर नहीं होती, तो उसके चलते हुए प्राचीन और पवित्र जो पुरानी गुफा है उसके द्वार खोल दिए जाते हैं ताकि वहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों को ये सौभाग्य मिल सके कि वो प्राचीन गुफा में प्रवेश कर सकें और दर्शन भी कर सकें। और इसी तरीके से आज मकर संक्रांति के पवित्र दिन वहाँ पर भक्त पहुँचे हैं, श्रद्धालुओं की तरफ से वहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं। जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि माँ वैष्णो देवी की ये जो स्वर्ण जड़ित पवित्र और प्राचीन गुफा है इसका इतिहास भी अपने आप में बहुत बड़ा और पौराणिक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि प्राचीन गुफा में के जो प्रवेश द्वार है उसी पर माँ वैष्णो देवी ने बाबा भैरवनाथ का वध किया था। भैरवनाथ का मुख्य यानी कि सिर भैरव घाटी जाकर गिरा था, जबकि जो धड़ था यानी कि शरीर शिला के रूप में प्राचीन गुफा के प्रवेश द्वार पर ही विराजमान है। और इसके साथ ये भी माना जाता है कि इस पवित्र गुफा में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, तो दूसरी ओर कलकल बहती निर्मल गंगा। माँ वैष्णो देवी का भक्तों को ये वरदान है कि जो भी भैरवनाथ के धड़ यानी कि शरीर जो शिला के रूप में यहाँ पर विराजमान है और उनके ऊपर से होकर पवित्र गुफा के भीतर से होकर मेरे दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले हजारों श्रद्धालुओं की ये हमेशा मनोकामना रहती है कि जीवन में चाहे एक बार ही सही लेकिन पवित्र गुफा के भीतर से होकर माँ वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन प्राप्त उनको हों। तो इसी के चलते आज मकर संक्रांति के इस पवित्र दिन ये पवित्र और प्राचीन गुफा के द्वार खुले हैं और उन भक्तों को, उन श्रद्धालुओं को जो कि पूरा साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं, उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और उनको ये सौभाग्य मिला है कि इस पवित्र और प्राचीन गुफा के अंदर जाकर वो दर्शन कर सकें, माँ का आशीर्वाद ले सकें। तो तस्वीरें हम जो आपको माँ वैष्णो देवी दरबार से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कतार में खड़े श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी में माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, माँ के दर्शनों के लिए वहाँ पर कतार में खड़े हैं। मकर संक्रांति के दिन इस पवित्र दिन में जहाँ पर श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं वहाँ पर दर्शनों के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो ये
वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कतार में ये खड़े श्रद्धालु इस पवित्र गुफा में, जो स्वर्ण जड़ित गुफा है, जिस तरीके से हम आपको इसका इतिहास, इसका महत्व बता रहे हैं कि माँ वैष्णो देवी के मुख से जो ये शब्द निकले थे, जो उन्होंने कहा था, ये वरदान दिया था कि जो भी उनके इस पवित्र गुफा से होकर निकलेगा उन पर मेरी जो कृपा है वो हमेशा बनी रहेगी। तो लोग जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि ये प्राचीन और पवित्र गुफा खुले, वो अंदर जाकर उसके दर्शन कर सकें, तो मकर संक्रांति पर उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। लोग यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर कतारों में खड़े नज़र आ रहे हैं। बाहर की एक तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हम दरबार के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से भक्तों में कितना उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, जो जय माँ वैष्णो देवी के जयकारे लगाते हुए भवन के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और जो बाहर खड़े हैं वो भी बड़े उत्साह से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब अंदर जाएं और माँ के इस पवित्र गुफा के दर्शन कर सकें, माँ का आशीर्वाद ले सकें। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कतारों में खड़े हैं, और दूसरी तरफ से पुजारी भी यहाँ पर खड़े हैं जो लगातार यहाँ पर प्रबंध देख रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि आज पुजारियों की तरफ से ही सबसे पहले पूजा अर्चना की गई, पूजा अर्चना के बाद इस पवित्र गुफा के द्वार खोले गए, और सबसे पहले पुजारियों ने जब पूजा अर्चना की है तो उसके बाद यहाँ पर जाकर अंदर गुफा के दर्शन किए, और उसके बाद आम जो वहाँ पर भक्त जन पहुँचे हैं, जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, उनके लिए ये द्वार खोले गए हैं, और श्रद्धालु बड़े उत्साह से इस पवित्र गुफा का अंदर जाकर उनके माँ के दर्शन कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद भी ले रहे हैं।